बॉलीवुड के पॉपुलर कपल में से एक कपल रहे रणबीर कपूर और आलिया भट्ट ने रिसेंटली कल ही के दिन अपना फर्स्ट वेडिंग एनिवर्सरी किया सेलिब्रेट। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर सामने ये आ रही है कि रणबीर कपूर ने एक रिसेंट इंटरव्यू में ये कहा था कि मैं एक अच्छा पति नहीं हूँ, और आखिर किस रीज़न के वजह से उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था और इनके कहने के पीछे का क्या वजह था, आइए नज़र डालते हैं इस पूरे वीडियो पर। सो हेलो एंड वेलकम टू फिफा फूस, मैं हूँ आपकी दोस्त और इशो की होस्ट दित्य बिस्वाल। आपको बता दूं, बिटाउन के सबसे पॉपुलर कपल रहे रणबीर कपूर और आलिया भट्ट ने रिसेंटली अपनी शादी को आप कह सकते हैं एक साल उनका कंप्लीट हो चुका है, और शादी के 7वें महीने में ही उन्होंने अपनी लाइफ में एक खूबसूरत सी बच्ची को जन्म दिया था जिनका नाम है राहा। और इन लोगों ने अभी तक अपनी बेटी का कोई भी फोटो रिवील नहीं किया है, और जैसे ही इनका फर्स्ट वेडिंग एनिवर्सरी कल सेलिब्रेट किया, लेकिन इस दौरान ही रणबीर कपूर का एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने एक चीज़ कहा था, मैं एक अच्छा पति नहीं हूँ। साथ ही उन्होंने ये भी कहा, ना एक अच्छा बेटा हूँ ना ही एक अच्छा भाई। और जब उन्होंने ये स्टेटमेंट कहा था और ये स्टेटमेंट जब अब वायरल हो रहा है, तो लोगों के मन में कई सवाल उठ रहे हैं कि क्या आलिया भट्ट और रणबीर कपूर के बीच सब कुछ ठीक नहीं है, या नीतू कपूर के साथ उनके कुछ अनबन चल रहे हैं जिस वजह से रणबीर कपूर ने ऐसे स्टेटमेंट दिए हैं। क्योंकि रणबीर कपूर और आलिया भट्ट जल्दी ही अपने न्यू घर में शिफ्ट होने वाले हैं, जिस बात का रिनोवेशन चल रहा है, कंस्ट्रक्शन का वर्क चल रहा है, और ये दोनों ही कंस्ट्रक्शन के साइट पर बहुत बार नज़र भी आए हैं। तो कहीं ना कहीं लोगों को ये भी लग रहा है कि दोनों शायद अपना अलग ही घर बसा रहे हैं, अलग ही रहना चाहते हैं, और अब फिलहाल जहाँ पे रह रहे वास्तु में, जो ऋषि कपूर और नीतू कपूर का घर है जिसका नाम है वास्तु, जिस बंगले का नाम इन्होंने वास्तु रखा है, जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे शायद नहीं रहना चाहते, वहाँ पे शायद कंटिन्यू नहीं करना चाहते हैं, इस वजह से अपने नए घर में वो शिफ्ट होना चाहते हैं, ये खबर भी सामने आ रहा था। लेकिन मैं आपको बता दूँ, ये आधी स्टेटमेंट है। पूरा स्टेटमेंट जब रणबीर कपूर ने कहा तो उन्होंने ये कहा था, मैं एक अच्छा पति नहीं हूँ, ना ही एक अच्छा बेटा और ना ही एक अच्छा भाई, और मैं हमेशा ये इस चीज़ को अपने अंदर रखता हूँ, क्योंकि मैं मानता हूँ कि अगर मैं हर चीज़ में खुद को परफेक्ट मानूंगा तो मैं खुद को कभी चेंज ही नहीं कर पाऊँगा, और एक इंसान कभी भी परफेक्ट नहीं होता है, हर दिन वो कुछ ना कुछ सीखता है और हर गलतियों से कुछ ना कुछ सीखता है, तो मैं भी सीख ही रहा हूँ और हमेशा एक बेटर इंसान बनने की कोशिश करता रहता हूँ हर दिन, और मेरा यही कोशिश रहेगा, क्योंकि अभी मैं एक पेरेंट भी बन चुका हूँ, और पेरेंट बनने के बाद अपने पेरेंट्स के लिए रिस्पेक्ट डबल हो जाता है, उनके लिए रिस्पेक्ट बढ़ जाता है, तो मेरा भी जो रिस्पेक्ट है मेरी मॉम के लिए और मेरे लेट डैड के लिए, उनके लिए और बढ़ चुका है। और एक पेरेंट्स बनने के बाद मुझे पता चल रहा है कि पेरेंट्स होने की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, और अभी मैं एक फैमिली पर्सन बन चुका हूँ, टाइम पे घर आना, टाइम पे हर चीज़ें करना, वाइफ को टाइम देना और फैमिली को टाइम देना, ये मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी बन चुका है। वही वाकई रणबीर कपूर एक बैचलर जब तक थे तब तक वो शायद फ्रेंड्स और पार्टी में बहुत ज़्यादा बिलीव रखते थे, लेकिन जब वो एक फैमिली पर्सन बन चुके, और स्पेशली तब जब वो एक बेटी के पापा बन चुके हैं, तब जाके उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास हुआ है, और अब जाके उन्होंने ये चीज़ कहा है, जस्ट बिकॉज वो खुद को डेली के बेसिस से परफेक्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, द रीज़न उन्होंने ये कहा था कि मैं एक अच्छा पति नहीं हूँ, इसके पीछे का कोई और रीज़न नहीं था। फिलहाल के लिए बस इतना ही। टेलीविजन से जुड़े और अपडेट्स के लिए और बॉलीवुड से जुड़े और खबरों के लिए आप हमें फॉलो करिए और देखते रहिए फिफा फूस।